हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं का पेट अगर कम दिखता है और कुछ महिलाओं का ज्यादा क्यों दिखता है और इससे बेबी पर क्या असर होता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो जो हमारे बेबी होते हैं वो शुरुआत के 3 महीने तक पेल्विक बोन के अंदर ही रहते हैं। कहने का मतलब है जो गर्भाशय होता है वो पेल्विक बोन नाम की जो हड्डी होती है उसके अंदर ही रहता है। तो इस वजह से शुरुआत के 3 महीने तक आपको पेट दिखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात ट्विंस बेबी की, तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में बच्चे का जो वेट होता है, बच्चे का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। फिर चाहे हमारे ट्विंस बेबी हो या हमारे सिंगल बेबी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले महीने के लास्ट में जो बेबी का साइज होता है वो संतरे या फिर सेब के बीच के आकार का होता है और अगर हम बात करें तो 0.13 इंच के लगभग होता है। और दूसरे महीने में जो बेबी का साइज होता है तो वो लगभग एक जामुन के बराबर होता है और अगर हम उसके वजन की बात करें तो लगभग 1.13 ग्राम के आसपास होता है। तीसरे महीने के अंत तक जो बेबी होता है वो हमारा 3 से 4 इंच तक लंबा हो जाता है और यह एक बड़े नींबू के आकार के साइज जितना हो जाता है और अगर हम इसके वजन की बात करें तो लगभग 28 ग्राम के आसपास हो जाता है। तो अब आप खुद ही समझ सकती हैं कि शुरुआत के 3 महीनों में ना तो बेबी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ना ही वजन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो जिस वजह से पेट हमारा बिल्कुल भी दिखने के कोई चांस ही नहीं होते, चाहे फिर हमारी वो ट्विंस प्रेगनेंसी हो। मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा परेशान तब होती है जब आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है और जैसे मान लीजिए आपका जितना टाइम है और आपकी कोई फ्रेंड या फिर आपने किसी और लेडीज को देखा तो उसका भी उतना ही टाइम चल रहा है, तो उसका आपको पेट दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसके बेबी का ग्रोथ सही हो रहा है, मेरे बेबी का ग्रोथ सही नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पेट नहीं दिख रहा है। जिन महिलाओं का शुरुआत के 3 महीनों में पेट दिखना स्टार्ट हो जाता है तो उनके बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ महिलाओं को शुरुआत के 3 महीनों में उल्टी, चक्कर आना, जी घबराना, बहक लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना, कुछ खाने का मन ना करना, बहुत सारी समस्याएं होती है जिस वजह से महिलाएं कुछ भी अच्छे से खा नहीं पाती हैं और उनका वजन बहुत तेजी से गिर जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लगने लगती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको इस टाइप की कोई भी समस्या नहीं होती है और तो वो क्या करती हैं, वो सोचती है कि हमारे अंदर दो दो बेबी आ गए तो हम बहुत सारा खाएंगे, तो इस वजह से क्या करती है वो बहुत सारा खाना स्टार्ट कर देती है, तो जिस वजह से क्या होता है कि उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और प्लस जो आप उनका पेट देखते हैं ना तो वो पेट नहीं निकलता है बल्कि जो पेट पे एक्स्ट्रा फैट जमा होना चालू हो जाता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग के मंथ से हमको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग के मंथ में कभी भी बेबी का वेट गेन नहीं होता है बल्कि आपका वेट गेन होता है। जैसे उनके पेट पे भी चर्बी आ जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पेट निकलना स्टार्ट हो गया है तो बेबी बिल्कुल हेल्दी है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मिथ है। तो आपको शुरुआत के 3 महीने में अगर आपका पेट बहुत कम है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेबी बम जो होता है उसका सही समय बाहर निकलने का होता है तो वो 3 महीने के बाद ही धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर चाहे आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो चाहे आपकी सिंगल प्रेगनेंसी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है और आपको ना ही पेट को लेकर बिल्कुल भी परेशान होना है। और आपको एक बात और बता दूं कि जब आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस समय क्या होता है कि हमारा पेट एकदम से टाइट रहता है, मसल्स एकदम से टाइट रहती है, पेट में बहुत अच्छा सा टोन रहता है, कोई भी ढीलापन, कोई भी लूजनेस बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही हमारी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होती हैं। तो क्या होता है कि पहली बार में हमारा पेट तो बढ़ता है लेकिन बाहर को नहीं निकलता है बल्कि वो अंदर ही रहता है, बहुत ज्यादा बाहर को दिखाई नहीं देता है। और आपकी जैसे ही दूसरी तिमाही लगेगी वैसे ही अपने आप पेट निकलना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे रीजन क्लियर कर दूं कि कुछ महिलाओं को पेट बहुत ज्यादा क्यों लगता है। तो इसका सबसे पहला जो रीजन होता है, अगर किसी महिला की दूसरी प्रेगनेंसी होता है, क्या है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी पे जब हमारी डिलीवरी होती है तो पेट हमारा एकदम से ढीला सा पड़ जाता है, मांसपेशियां एकदम से लूज हो जाती है और पेट में कोई भी कसाव बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। तो जब दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनका दूसरी प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही पेट बहुत ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाता है और हमें ये लगता है कि इनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी और इनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा रीजन होता है कि जो महिलाएं लंबी होती हैं तो उनका जो पेट होता है वो बाहर की निकलने की बजाय ऊपर को बढ़ता है क्योंकि लंबे होने की वजह से बच्चे को बहुत सारी जगह मिल जाती है, तो इस पेट को बाहर बहुत ज्यादा निकलने की नौबत नहीं आती है तो उनका पेट कम ही लगता है। जो महिलाएं छोटे कद की होती है तो उनका पेट आगे की तरफ बहुत ज्यादा निकलता है। जिन महिलाओं का एमनियोटिक फ्लूड बहुत ज्यादा होता है तो उन महिलाओं का जो पेट होता है वो अद से ज्यादा बड़ा होता है। मैं यहाँ पे अपनी बात बता दूं तो मेरा पेट ट्विंस प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा था एंड
मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो सिंगल प्रेगनेंसी थी, तो उसमें भी पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पे मेरा दोनों में ही एक रीजन था, वो ये था कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा था, तो पेट का कोई बहुत ज्यादा बड़ा होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा पेट बहुत ज्यादा बड़ा था, तो मेरे बच्चे 4 से 5 किलो के हुए थे, तो मेरी बेबी जो हुई थी वो मिनिमम से मैक्सिमम 2.5 किलो की ही थी। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ चिंता नहीं करनी है कि पेट बहुत ज्यादा बड़ा है तभी बच्चा हेल्दी और अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी के पेट ज्यादा या कम होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और मैं पांचवा रीजन बता दूं, जो महिलाएं प्रेगनेंसी में गलत तरीके से उठती हैं, बैठती हैं, लेटती हैं, सोती, तो उनकी मांसपेशियों पर काफी असर पड़ता है, तो जिस वजह से भी पेट कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जिनके बच्चे 4 से 4.5 किलो के बीच में हो उनकी वजह से ही पेट बड़ा हो, तो इतना ज्यादा हेल्दी बच्चा भी गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे का ज्यादा ओवरवेट भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। और तो इतना ज्यादा वेट कोशिश करें कि गर्भ में ना बढ़ाएं, वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ओवरवेट ना तो आपके लिए अच्छा है ना ही बच्चे के लिए अच्छा होता है। और सबसे बड़ा रीजन एक होता है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी में कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई ऐसी बीमारी है जिस वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और साथ में ही अगर वेट बढ़ेगा तो पेट तो ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है, तो जिस वजह से भी कभी कभी पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से कुछ महिलाओं का पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो अब आप समझ ही गई होंगी कि पेट बड़ा या छोटा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सभी महिलाओं की बॉडी अलग अलग होती है, बॉडी की बनावट अलग अलग होती है, तो कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा पतली होती हैं, तो उनका 2 से 3 महीने के बाद थोड़ा ज्यादा ही पेट दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में हाथ पैर वगैरह सब बहुत दुबले होते हैं, तो सिर्फ पेट ही पेट दिखाई पड़ता है। कुछ महिलाएं थोड़ा पहले से हेल्दी होती हैं, तो उनका भी जो पेट होता है वो बहुत जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाता है। और प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारे बेबी के लिए स्पेशली होते हैं, जो हमारे बेबी को हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन हार्मोन्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शुरुआत में हमारा जो है डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होता है, तो जो भी चीज हम खाते हैं वो अच्छे से नहीं पचती है, तो जिस वजह से क्या होता है कि गैस बनती है, हमारा पेट फूलता है, तो जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इनका पेट निकला है, तो इनका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। फर्स्ट मंथ से लेकर के 7 मंथ तक बच्चे का जो है विकास होता है, वो धीरे धीरे ही वजन उसका बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। वजन जो सच में बढ़ता है वो लास्ट के 2.5 से 3 महीने में ही अच्छे से एकदम से तेजी से ग्रोथ होता है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है इस बात को लेकर कि आपका पेट छोटा है तो आपका बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और वैसे भी अगर आपका पेट छोटा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े पेट में कोई भी सुकून नहीं होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि मैं झेल चुकी हूँ। और मैंने आपको हर पॉइंट क्लियर कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस आपको अपने टाइम से अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, एंड आपको अपने डॉक्टर से टाइम टाइम पे सजेशन लेते रहना है, एंड आपको आयरन और कैल्शियम की टेबलेट लेते रहना है, और आपको हेल्दी से हेल्दी खाना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और खाने में आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, वसा हर चीज लेने की कोशिश करें, ताकि आप भी हेल्दी रहें एंड आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद भी आप पेट को लेकर परेशान होना चाहिए। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप अगला वीडियो चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।